कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट 1.19 और इसका एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने 1 और 2 का एपिसोड नहीं देखा तो आप जाकर उसे पहले देख लीजिए। तो वैसे हमने पिछले वाले एपिसोड में दफा के तो माइनिंग करी थी, मतलब माइनिंग नहीं, एक पहाड़ की खुदाई करी थी, जिससे हमें ये इतने सारे कॉर्नरस्टोन मिले और उधर थोड़ी रिपेयरिंग तो इस वजह से थोड़े बहुत खत्म हो गए। तो अब हम फटाफट से वहीं पर चलते हैं, हमें अब वहाँ की हालत सुधारनी पड़ेगी थोड़ी सी। गाइस हमने क्या नाम है, ये पूरे में ब्रिज लगा दिया है और तो हमने एक नई शॉल बना ली, और शॉल बनाने के साथ ही साथ हमने अपनी थोड़ी सी ये जो भी था ये कर ली है। अब यहाँ पे इसे भी रख देते हैं इसकी जगह पे और चुपचाप अब मिट्टी को इकट्ठा करते हैं। नाम है जो बैठे वो हो ही चुकी, और यहाँ हमारे पास पूरे के पूरे 2 स्टैक से एक ज़्यादा ये हैं डस्ट, मतलब डर्ट। तो फटाफट से अपने लोग वहाँ चलते हैं और अब अपने वाले आइलैंड पे चलते हैं और यहाँ पे वो छा देते हैं। यहाँ पे डस्ट बिछा के आ चुके हैं और तो और अब बाहर रात हो चुकी है और पास स्लीपर वगैरह मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊँगा। अच्छा वो कि मैं अंदर ही सो रहा हूँ। गुड नाइट। अब पहले अपना खंजर निकालते हैं। ओह ठीक है, कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, इन सब सामग्री को इसके अंदर उबालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों उबाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा गाइस, बताऊंगा। अब मेरे भरोसा रखो। लेट्स से आई एम वेरी टोलेंटेड। आज मेरे को एक और फर्नेस बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह से तो रात हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी मेरे कहने का मतलब। वो कहाँ हैं लकड़ियाँ, इतनी बतेरी। अब जो यहाँ से स्टोन उबलते जा रहे हैं उन्हें चुपचाप इसके अंदर भरते जाओ, यही काम मैं करते रहूँगा। ओके सबसे अच्छा नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। ए सुनना ओए, ए जमाइला तू मत आ यार, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं मुझे। तो गाइस ये बात गलत है, ये बहर उपयोगी तरह आ चुका है। तो गाइस अब फटाफट से फार्मिंग करते हैं। ना 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 ये नहीं, ये नहीं, ये वाली प्लीज़ वो निकलाना। चलो गाइस मैं बड़ा ना सिस्टम। अब एक काम करते हैं, ये भी रख लेते हैं। और ऐसा करते करते मेरी पता है आपको मेरे 2 फायदे हो रहे हैं, एक मेरी एक्सपी बढ़ रही है और ऊपर से ये स्मूथ स्टोन भी बनना है। चलिए फिर अब इन सभी को भी ले लो और इसमें डाल दो, और इन सबको भी ले लो और इसे इसमें डाल दो। ऐसे ही मैं करते जा रहा हूँ और ये 22 हो चुके हैं। गाइस मैं सीढ़ी इकट्ठा करने निकला ही था लेकिन मुझे मेरी ये दिख गए भाई। भाई आ जाओ, और भी हैं क्या, और तो दे दो यार। हमें हमारे 2 आयरन मिल चुके हैं, पहले 2 आयरन। खैर आइए अब निकल लेते हैं यहाँ से, इसे रख के आते हैं अपने घर पे। अभी हमारे पास काफ़ी सारा स्मूथ स्टोन आ चुका है और मुझे लग रहा है इतना इनफ नहीं होगा, तो अभी और मैं उठा लेंगे। और हाँ लेने के बाद हम इसे सीमेंट करेंगे और लाख बनाएंगे और बहुत सारा। तो पूरा ही वो वाला घर बन चुका है लगभग, लेकिन अभी उसमें अंदर कुछ कमी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रहेगी डर्ट और कुछ अच्छे अच्छे फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए। अब ये सब हमारे पास होंगे तो बहुत पता लगेगा, गार्डन दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लगभग घर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, बस हमें जरूरत है थोड़े से सीड्स की। अब हम जाएंगे थोड़े सीड लेंगे एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। ओके okay?
हमारा घर ऑलमोस्ट बन चुका है, मतलब पूरा बन चुका है। अगर आपको उसकी वीडियो उसे एक्सप्लोर करना है तो आप अगले वीडियो में देखें, अगले एपिसोड में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।